आज मीटिंग पे नहीं गए तुम? नहीं। ऐसे किस सिलसिले में थे ये मीटिंग? अंडर एस्टिमेटेड हेवन करके एक रेस्टोरेंट है एंड दे वांट मी टू पेंट देयर इंटीरियर्स। छोड़ 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 उसको। एक तो तुम ना सीधे देख के बात करो, क्या जंक फूड खाते रहते? ट्राई दिस। क्या है इसमें? अरे ट्राई तो करो, अपने फूड ट्रक में पहली बार ट्राई किया है, अंडा कबाब। स्मेल्स गुड ना? टेस्टी भी। वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने आपसे एक चीज मांगी थी और आपने मुझे नहीं दी। इतना इमोशनल डायलॉग एक बाइक के लिए? अब सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया तो सोचा सेंटी मार के देख लूं। सेंटी मारने से ना अंडे कबाब मिल सकते हैं, बाइक नहीं। क्या यार पापा, कभी तो समझो। बिल्कुल नहीं समझूंगा, तुम्हारी फालतू की बातें बिल्कुल नहीं समझने वाला हूं। फालतू की बात नहीं है पापा, आई हैव एन इमेज टू मेंटेन और मेरा काम अगर इतनी जल्दी नोटिस होने लग गया तो मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। और यू नो व्हाट, मेरे इंस्टा पर कितने फॉलोअर्स हैं एंड आई रियली डोंट वांट एनीवन टू कैच मी इन एन ऑटो। ओहो अच्छा, ऑटो में ट्रैवल करोगे तो लोग गरीब कहेंगे ना? कहेंगे तो नहीं, समझेंगे ना। और अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और ये बोला कि इस अंडर एज लड़के को किसने बाइक दिया है उसको अंदर डालो, इस एज में तुम्हारा बाप जेल जाएगा, अच्छा लगेगा तुमको? नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू पापा, मुझे बाइक चाहिए तो बस चाहिए, और फिर मैं आपको कहां से अंडर एज लगता हूं? सीरियसली बाइक की वजह से तुमने मीटिंग कैसे कर दी? अरे तुम्हारे जैसा गधा मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। क्यों, मैंने बाइक मांगी इसलिए? नहीं, जिद के इसलिए। ये जो तुम अपने इंस्टा फेम की दुहाइयां देते फिरते हो ना चारों तरफ, आधी भी नहीं बचेगी अगर काम नहीं करोगे तो। बेवकूफ कहेगा। हेलो, क्या इतना चिल्लम चिल्ला लगा रखा है? अरे लाट साहब, थोड़ा फेमस क्या हो गए, कामचोर हो गए, अब ऑटो में जाना इनके शान के खिलाफ हो गया। सुना, पूरे मोहल्ले ने भी सुना होगा। नहीं वैसे अब क्या किया तूने? मैं मीटिंग में नहीं गया, और इन्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे मीटिंग में ना जाने से? राइट। वैसे भी डाटा मेरे काम करने की उम्र तो है नहीं, जितना शौक है मैं उतना ही काम करूंगा ना। और ये ना मुझे सारा टाइम सेलिब्रिटी मैनेजर की तरह ज्ञान देते रहते हैं, और टिपिकल बाप की तरह भी। अशोक, ये तुम पे सूट करता है क्या? टिपिकल फिल्मी बाप की तरह उसके पीछे पड़े रहना, और कुछ नहीं तो सास बहू की तरह उस पर टोंट मारते रहना। यार उसको उसको फिल्म देखनी है, उसको नहीं जाना मीटिंग पे, इट्स हिज चॉइस। बाय द वे, चॉइस के ऊपर भी मुझे तुमसे डिबेट करनी पड़ेगी अभी। एक्सक्यूज मी, मुझे चॉइस से प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और अननेसेसरीली कोई इसको सपोर्ट करेगा ना तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम है। मेरे एटीट्यूड में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैंस से ना मुझे ना वैलिडेशन मिल जाता है। आप ना बस मुझे बाइक दिला दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वेट अ मिनट, बाइक? ये बाइक बीच में कहां से आई? वही तो फसाद की जड़ है, इसी के चक्कर में मीटिंग में नहीं जाता। ये एग कबाब खा के देखो ना, हमारे वो ट्रक के। क्रिस्पी है ना? यम्मी, ये रेसिपी हिट है बिल्कुल। एक सेकंड, आई थॉट यू आर ऑन माय साइड। वेल नॉट इन दैट केस इफ यू वांट अ बाइक। थोड़े थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े मैच्योर हो जाओ, मिल जाएगी बाइक। कम ऑन, बी अ गुड बॉय। डैडा यार, पापा चिढ़ा रहे हैं। अशोक रिमोट इधर दो। क्या करेगा तू, बोल ना। तो काम करता हूं, बोल। मैं ना आप दोनों से बात ही नहीं करूंगा। मेरे जो सारे दोस्त बोलते ना दैट योर पेरेंट्स आर सच अ कूल कपल, उनको ना ये सब कुछ आकर के देखना चाहिए। मेरे दो दो डैड है और एक भी मेरी साइड नहीं है। तेरी साइड ही है हा? और अब बच्चों की तरह क्रीप करना बंद कर, हमारे साथ बैठ के फिल्म देख। बी अ गुड बॉय, जाके पॉपकॉर्न ला। कम ऑन अशोक, डोंट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। छोटा बच्चा है, क्यों दोस्त? नहीं।
A family just like yours, isn't it? And with 377 gone, you'll have more such families like these in our midst. Hi, I am Pallav Patankar, a member of the LGBTQI community, and I help people deal with their sexuality in a healthy and a stable manner. To know more about me, check out the Z5 original premiere on the 19th of March, 377 Abnormal. And for more such amazing content, subscribe to the channel Blush.